أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم के अर्शाद है कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख़्स है कि जो क़ुरान सीखे और दूसरों को सिखाए अल्लाह ने मुसलमानों के लिए इस किताब को नाजिल किया बल्कि दुनिया भर के इंसानों के लिए इस किताब को नाजिल किया ताकि वो इस किताब को पढ़ें समझें और इसकी आयात और इसकी तलीमत को अपनी ज़िंदगी में अमल और आइडियल बनाए और इसके बताए हुए रास्ते पर चलें क़ुरान मजीद वो किताब कि जो बज़ाहिर चौदह सौ साल या चौदह सौ कुछ सालों पहले नाजिल हुई लेकिन हर दौर और हर ज़माने में इसकी आयात इसकी तलीमत ज़िंदा और उस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक है दुनिया की जितने भी अदियान और मज़ाहब और जितने भी धर्म हैं हैं, उनमें सबसे बड़ा इम्तियाज़ जो इस्लाम को है वो ये कि इस्लाम ने अपनी तलीमत को इस तरह पेश किया है कि जो हर दौर हर ज़माने में जिस तरह और जैसा भी ज़माना हो चाहे वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो या अभी उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई हो हर दौर व ज़माने के मुताबिक और कम्पैटबल है और हर दौर व ज़माने के मुताबिक उसकी तलीमत हैं यानी किसी भी ज़माने का शख्स ये नहीं कह सकता कि इस्लाम का ये सबक इस्लाम का ये दर्श इस्लाम का ये चैप्टर आज के ज़माने में फौत हो चुका है आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत नहीं है ये एक सबसे बड़ा इम्तियाज़ है दुनिया में तमाम अदियान व पर इस्लाम का जिसकी हकीकत को शायद अभी भी हम दर्क नहीं कर पाए हैं, अभी भी हमें इसकी अजमत का अंदाज़ा नहीं हो पाया है दूसरे मजहबों और दूसरे अदियन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्कालर्स के जो क़ुरान मजीद का मताल करते हैं जो कुर मजीद की स्टडी करते हैं जो कुर मजीद को पढ़ते हैं समझने के लिए वो इन बातों का अतराफ़ करते हैं कि कुरान मजीद एक यूनिवर्सल हिदायत के लिए एक आफाक़ी और एक आलमी हिदायत के लिए एक बेहतरीन किताब है एक बेहतरीन रेफरेंस बुक है रेफ़रेंस बुक का मतलब आप बेहतर समझते हैं कि इंसान जब भी किसी तहकीक़ को अंजाम देता है मिसाल के तौर पे किसी प्रोजेक्ट पे वो तहकीक़ करता है तो उसे कुछ रेफरेंस चाहिए अपनी बात को साबित करने के लिए या अपनी बात की तह, अपनी तहक़ीक़ को आगे बढ़ाने के लिए तो वो रेफरेंस जगह जगह पर उसकी मदद करता है उसकी गोया तहकीक़ के नक्स को मुकम्मल करता है इसी तरह ज़िंदगी में जब हमारी ज़रूरतें आती हैं ज़िंदगी में हमारे मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में और मुख्तलिफ मरहलों में जब हमें रेफरेंस चाहिए होता है इलाही हिदायतों का तो वो हिदायतें हमें कुरान मजीद से सबसे पहले कुरान मजीद से हासिल होगी जो आज एक सबसे बड़ा अलमिया बहरहाल एक सबसे बड़ा अलमिया हम इसको कहें या एक एक्सक्यूज कहें कुर मजीद अरबी में नाजिल हुआ अरबी हमारी ज़बान नहीं है अब जब अरबी हमारी ज़बान नहीं है तो हम इस किताब को समझें कैसे इस किताब की स्टडी कैसे करें इस किताब का मताल कैसे करें जबकि अल्लाह ने इस किताब को नाजिल जो किया है सबसे पहले यानी आप देखें कुरान मजीदम दे क्या कहता है कुरान में कि हमने इसको अरबी में इसलिए नाजिल किया है कि शायद तुम ग़ौर फिक्र करो अलबत्त ये खिताब था उस ज़माने के अरब लोगों के लिए कि जिनकी ज़बान अरब थी लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों से मखसूस नहीं है खिताब ये हर ज़माने के इंसान के लिए यानी हमने इसको आसान अरबी में नाजिल किया डेफ़िनेटली नो डाउट इसमें कोई शक व शुबा नहीं है हमारी ज़बानरबी नहीं है लेकिन जब हम इसको इस्टी करना चाहते हैं इसका मताल करना चाहते हैं तो एक रास्ता तो ये है कि हम इसका ट्रांसलेशन या गोया इसके तर्जुमे जो हुए हैं हमारी जबानों में हम उन तर्जुमे के ज़रिए इस किताब का मताल करें ये सबसे एक आसान रास्ता है लेकिन दूसरा जो सबसे बाफ़जीलत रास्ता रास्त और अच्छा रास्ता भी है जिसको बारह हदीसों में रसुल खुदा सल्हुस वसलम ने और दीगर आईमा आलम सला वसलम ने सराहा भी है एक बेहतरीन ज़रिया है वो ये कि ख़ुद कुरान मजीद की ज़बान से हम आश ना असल ऑब्जेक्टिव ये है असल मकसद ये है कि हम कुरान मजीद को अरबी में उसकी तिलावत करें और अरबी में हम उसको समझें लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाइफ में ज़िंदगी में इतनी फुरस्त नहीं है इतना टाइम नहीं है हमारे पास तो कम अज़ कम हम दूसरी ज़बान में उसको दर को समझ तो सकते हैं उसकी आयात के मफहम को तो समझ सकते हैं लेकिन उसकी तलावत के लिए बेहतरीन गोया अजर सवाब का मुस्तक वो शख्स होगा कि जो उसकी तलावत ख़ुद अरबी ज़बान में उसको करे घर से अगर कोई अरबी नहीं जानता है तो वो दूसरी ज़बानों में भी कुर मजीद का तर्जुमा देख कर पढ़ कर वह अजर ववाब हासिल कर सकता है लेकिन बेहतर यह है कि क़रना मजीद आदि इसमें मुतद हदीसें कि बेहतर यह है कि शख्स इंसान क़ुरान मजीद को अरबी में पढ़े और उसका अरबिक टेक्सट पढ़े ताकि उसकी फजीलत से महरूम ना हो जाए क्योंकि बहरहाल दूसरी जबान में उसका तर्जुमा जो है वो बज़ाहिर उस ज़बान से ज़रा सा दूर है कि जिस जबान में ख़ुदा ने इस किताब को नाजिल किया रसूल ख़ुदा अर्शाद सरमाते हैं खैरुक मन कुर वालमा तुम में से सब से बेहतर यानि उससे बेहतर कोई नहीं दुनिया में बहरल ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट अपने आप में एक टॉपिक है कि हम सबसे बेहतर किसको कहें रसोल ख़ुदा कहते हैं खैरकुम यानी तुम में से सबसे बेहतर उससे दुनिया में कोई भी बेहतर शख्स नहीं हो सकता मनतामाना जो शख्स कुरान की तालीम हासिल करे, कुरान को सीखे वो वमा और दूसरों को जाकर सिखाए पाठ करे, डिस्ट्रीब्यूट करे जो तालीम उसने हासिल की है कुरान मजीद को सीखने और सिखाने का सबसे पहला मरहला जो है वो उसके टेक्स्ट को समझना बल्कि उसके मतन को यानि उस इबारतों को कैसे पढ़ा जाए बहरहाल हम अरब नहीं हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अरब लोगों के लिए तो सहूलत है कि वो अरबी ज़बान में पढ़ सकते हैं अगर उनको अरबी ज़बान पढ़ना आती है क्योंकि बहरहाल किसी ज़बान का मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अंग्रेज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश टेक्स्ट भी पढ़ना आता हो नहीं जबान अहले ज़बान है वो ज़बान बोलता है क्योंकि उस माहौल में वो पैदा हुआ है जैसे हम लोग बहुत से अम में से ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं लेकिन उर्दू पढ़ना नहीं जानते उर्दू उर्दू लिखना नहीं जानते यही हाल है अरबी ज़बान होना इस बात की दलील नहीं है कि वो अरबी तहरीर को भी पढ़ सके जो शख्स पढ़ता है जो शख्स सीखता है वो उस तहरीर को भी पढ़ सकता है तो सीखना इसका बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है आज के ज़माने में कम से कम एक बच्चा दो तीन जबानें तो स्कूल में सीख ही लेता है उसकी रीडिंग उसको समझना अलबत् समझने का मरल और ज़्यादा उसमें मश्क़ चाहिए होती है वक्त चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोशन होता है उसमें लेकिन सबसे पहला मरहला जो होता है जो तालीम का सबसे इब्तई मरहला है वो ये किसी मतन की करात और उसकी रीडिंग सीखना सिखाई जाती है बच्चे को अगर कोई नई जबान वो सीख रहा है अंग्रेज़ी भी अगर सीखता है तो पहले उसके अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं उसको फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैसे हरूफ़ को एक दूसरों से मिलाए एक दूसरे से मिलाकर उनको म, क्या नाम है मरक्ब करके मिलाकर किस तरह पढ़े आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मरहला बा मरहला जाता है और वो फिर उस ख़ास ज़बान के टेक्स्ट को और मतन को पढ़ना सीखता है और उसकी तलावत करना सीखता है बहरल ये एक लेंदी प्रोसेस होता है जो इतनी आसानी से एक दिन में नहीं होता लेकिन इतफाक़ ये है जो क़ुर मजीद के सिलसिले में जो महकिन ने अब तक की कोशिश की है वो एक बेहतरीन ज़रिया ये ज़रिया तलीम और गोया कई बरसों की मशक्कतों और मेहनतों के बाद का ये नतीजा है कि आज कम से कम अरसे में वो शख़्स जो बिल्कुल अरबी मतन और अरबी तहरीर की क़रात से और उसकी रीडिंग से और उसकी तलावत से महरूम है, वो शख्स कम से कम वक्त में अरबी को पढ़ना सीख सकता है एक यानी कोई मामूली बात नहीं है हती बाज़ लोगों ने मिसाल के तौर पे ये अपना अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है वो तेरह जलसों में एक शख्स जो है जो बिल्कुल कुरान मजीद नई सीख जानता है पढ़ना और कुरान मजीद की तलावत से लाबलद है तो वो तेरह जलसों में वो कुर मजीद की तलावत कर सकता है अलबत्त ये तो उन लोगों का एक्सपीरियंस है मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपकी खिदत में अर्ज़ करता हूँ कि जो शख्स कुरान मजीद की तलावत करना नहीं जानता और कुरान मजीद को नहीं पढ़ सकता उसकी तिलावत नहीं कर सकता अरबी मत नहीं पढ़ सकता सिर्फ़ उसको जो मशक्क़त और मेहनत और वक्त लगेगा चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो जो वक्त लगेगा उसको सिर्फ़ अल्फाबेट्स और हरूफ की शनाख़त का अल्बत्ता एक ख़ास उसका पैटर्न है एक ख़ास तरीक़ा है उस ख़ास नहज पर वो कुरान मजीद ही नहीं बल्कि तमाम अरबी मतून और तमाम अरबी इबारतों की वो करात और तिलावत कर सकता बहरहाल ये अब तक की तहकीक जो हुई है अब आप अंदाज़ा लगाएं पाँच जलसे कोई मामूली बात नहीं है पाँच जलसे में एक शख्स पाँच लेक्चर्स के बाद एक शख्स जो एक जबान को रीड नहीं कर सकता है अब पाँच जलसों के बाद आप उसके सामने उसका टैक्स रखिए उसका मतन रखिए तो वो पाँच जलसों के बाद उस जबान की इबारत की तिलावत करात उसकी रीडिंग कर सकता है बहरहाल इसका एक ख़ुद मादी असर जो अपनी जगह है लेकिन मानवीय असर ये है इसका कि क़यामत की रिवायत में एक मिलता है कि क़यामत के दिन रजा योमयामत क़ीला क़ार्न जब क़यामत का दिन आएगा तो क़ार कुरान से कहा जाएगा इकरा वर्क़ा कि तुम कुरान मजीद की आयात की तिलावत करते जाओ और जन्नत में अपने दर्जा को तय करते जाओ मैं कुछ ज़ाहरी मादी फ़वाद इसके बताते चलूँ रिवायात में है कि इन, वो शख्स कर ये यूथ्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत या वो लोग के जो अपने हाफजे से ज़्यादा अपनी मेमोरी को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं उनके लिए ज़्यादा और काम उनका ज़्यादा होता है मेमोरी का वो शख्स जो कसरत तलावत कुरान मजीद करता है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करता है उसका उसकी मेमोरी शार्प होती है उसका हाफजा कवि होता है जब तुम्हारी रूह रूहों पर तुम्हारी नफ्स पर अगर जंग लग जाए जिस तरह लोहो लोहे पर जंग लगता है जिस तरह रस्ट आ जाता है आयरन पे लोहे के ऊपर तुम्हारी रूह भी अगर इसी तरह जंग आलूद हो जाए फजलऊहा कुरान तो अपने रूह के जंग को कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए तुम पाक करो रूह के रस्ट को उसके जंग को उस पर जो आलूदगी और गुबार बैठ चुका है उसको कुरान मजीद की तलावत के ज़रिए बहरहाल क़र मजीद की तलावत मैंने रस किया किसी भी ज़बान में हो सकती है लेकिन बेहतरीन और मतलूब तरीन और जिसको रवायात में भी सराहा है आईम आलमलत ने रसूल खुदा साली वम ने अपनी रवायात में जो सराहा है वो अरबी सीखना और अरबी ज़बान में कुरान मजीद की तलावत करना और ख़ास कर एक सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो ये है कि वो लोग देखिए कुरना मजीद की तिलावत वाजिब नहीं है हाँ एक मोमिन की अलामत है कि वो दिन भर में पचास आयत की तिलावत करता मोमिन की बहुत सारी निशानियाँ हैं अक्सर बुज़ुर्ग और अमायदीन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक मोमिन की शनाख्त और पहचान और उसकी अलामतों में से एक अलामत ये कि वो दिन भर में पचास आयत की तिलावत करता है वो जो वाजिब नमाज़ में सूर पढ़ता है उसके अलावा उसके अलावा हर फर्द के लिए हम गोया दिन भर में पांच नमाजें हम परफ़र्ज़ हैं पांच वक्त की नमाज़ें जो हम अदा करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान सूरों को सही अरबी में उसकी तिलावत करे अगर इंसान को सही अरबी में वो अपनी नमाज को अदा नहीं करता है तो उसकी नमाज बातिल है अलबत्ता इस शर्त के साथ कि वो सीख सकता और ना सीखें एक शख्स है वो सीख नहीं पाया उसको कोई बताने वाला नहीं था तो शायद उसकी नमाज़ सही हो जाए लेकिन अगर एक शख्स सीख सकता उसके पास जराए हैं वसाइल हैं सीखने के और उसके बावजूद भी वो ना सीखें तो उसकी नमाज़ बातिल है लिहाजा हर फ़र्द के लिए हम हर मुसलमान के लिए ख़ासकर महलैत के चाहने वालों के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद के उन सूरों के ऊपर ख़ास तोज्जो अदा करें उन दुआओं उन अज़कार की तरफ हम खास तो अदा करें तवज्जो करें कि जिनको हम नमाज में अदा करते हैं जो हम पर वाजिब हैं इसके लिए कब मुमकिन हो सकता है बहुत सारे बसा ऐसा होता है कि हम सही अरबी तहरीर ना होने की वजह से हम अल्फाज का सही तलफ सही प्रोनासीेशन नहीं अदा कर पाते हैं उनको सही तरीक़े से अदा नहीं कर पाते हैं लिहाजा उनकी सही अदायगी के लिए उनके उनकी सही शनाख्त के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी सही अरबी तहरीर और उनके अरबी मतन से हम ना हों ये दर्स जो आपकी खिदमत में जिसके लिए हाजिर हुआ हूँ इसका कंसेप्ट यह है कि हम कोशिश ये करेंगे कि पाँच जल्सों में टोटल पाँच नशस्तों नस, में आपकी खदमत में ए, एक कोर्स की शक्ल में वो शख्स जो बिल्कुल कुरान मजीद की तिलावत से नाशना है और ला है कि उन पाँच नशस्तों पर इन पाँच लेक्चर्स पर पाँच जल्सों पर अगर वह तो करें तो वो इन पाँच नशस्तों के बाद कुरान मजीद और तमाम अरबी इबारतों की तिलावत और करात कर सकता है चाहे वह दुआएँ हों अलबत् तिलावत का एक ख़ास पैटर्न होगा एक ख़ास नहज होगा एक शख्स जो बिल्कुल बरसा बरस कबल उसने या मुद्दतों क़ब्ल उसने मिसाल के तौर पे अपनी अपने बचपन में मिसाल के तौर पे उसने कुरान मजीद की तिलावत और करात और गोया उनको उसको सीखा था और उसको पढ़ना शुरू किया था यकीन उस शख्स की तलावत में उस शख़्स की करात में और एक मेरे जैसे इंसान के जिसको हमने पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ में ज़िंदगी में मौका नहीं मिला मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी बचपन में घर वालों ने नहीं सीख सीखने का मौक़ा फराहम किया अगरचि वालदेन पर फ़र्ज़ है वालदेन पर यानि औलाद के कुछ हकूक़ हैं जो बाप के ऊपर हैं उनमें से एकक्रन मौलानात ने तीन हक़ बताए हैं बेटे के हैं जो बाप के ऊपर जिसको बाप हर बाप को अदा करना ज़रूरी है यूँअालन बेटे को बाप कुर मजीद की तालीम दे वही यू हसन इसम बेटे का बेहतरीन नाम रखे वही हसन तादीब और उसकी बेह उसे बेहतरीन अदब सिखाए अलबा वही तालीम कुरान के सिलसिले में इस बात की तरफ़ तोज्ज़ करना बहुत ज़रूरी है तालीम कर्न सिखाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ उसे पढ़ना सिखा दे उसके सिखा दें युआम क़रअन पुरान, यानी कुरानी तालीमत उसको सिखाए कुरान यानि मस लाइफ स्टाइल तर्ज़ ज़िंदगी न सिर्फ ये कि ये एक वो किताब है कि जिसमें क्या वाजिब है क्या हराम है लिखा नहीं नहीं बिल्कुल तर्ज़ ज़िंदगी आयन हयात है कुरान मजीद आयुआ आम क़ुरान बाप उसे कुरान मजीद की तालीम दे यानी कुरानी लाइफ स्टाइल उसे सिखाए कुरानी तर्ज़ ज़िंदगी से उसे आशना करे कुरानी जीने का सलीक़ा जो है कुरान मजीद ने जो जीने का सलीका बताया उस तर्ज ज़िंदगी से उसे आशना कराए ये एक बाप पर फ़र्ज़ है कि जो अपने बेटे का ये अगर बाप अदा नहीं करता है तो रोज़ मशर वो ज़िम्मेदार होगा रोज़ मशर उसे जवाब देना होगा लेकिन इतफ़ाक़ से किसी के वालदेन को नहीं तोफ़ी हो पाई वेने बच्चे को नहीं सिखा पाए वो इंसान जवान हो गया बूढ़ा हो गया एक अच्छे ख़ास सिंध पर पहुँच गया अफसोस की बात नहीं है इंसान बहरहाल जब उसकी आँख खुल जाए जब वो आगा हो जाए जब वो ज़रूरत को महसूस कर ले उसे अपने फरीज़े का एहसास हो जाए वो उस वक्त यानी इस्लाम ने वापसी के लिए कोई ख़ास सिन की क़ैद नहीं लगाई है, ख़ुदा तक वापसी के लिए दीनी फ़राइज की अदायगी के लिए इस्लाम ने बहर आगाज़ फ़राज के आगाज़ में तो सिन की कैद है कि इंसान के ऊपर दी फ़रज़ और शरीय के तमाम अहकाम उस वक्त इंसान के ऊपर वाजिब होते हैं जब वो बालग हो जाए लड़कियों के बलूक का वक्त अलग है लड़कों के बलूक का वक्त अलग है लेकिन अगर इंसान बलूक के बाद एक मुद्दत तक गाफिल रहा और उसने अपने फ़राज़ को अंजाम ना दिया लेकिन बाद में जब उसकी आँखें खुली वो गफलत से बेदार हुआ तो इस्लाम ने वो एक कैद उम्र के इस हिस्से पर पहुँचने के बाद अब उसके लिए वापसी नामुमकिन है अब वो चाहे भी तो नहीं आ सकता हाँ डेड जो है इस्लाम की वो मौत है मौत से कबल इंसान किसी वक्त भी वापस आ सकता है तो बहरहाल ये तरीक़ा ये क्लास ये लेक्चर और ये नशज जो है हमारी कुरान मजीद की जिसका रहेगा आओ क़ुरान सीखें इसमें कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम यानी मैक्सिमम पाँच जल्सों में वो तमाम गोया बेसिक्स जो ज़रूरतें हैं कुरान मजीद की तिलावत और करात सीखने के लिए वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा जो तवज्जो आपकी ज़रूरी है वो इस चीज़ की तरफ है कि आप अल्फेब्स से और औरूफ गोया हिजा या हरूफ तहज्जी जो अरबिक के हैं जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी वैसी अरबिक में भी हरूफ तहज्जी उनको कहा जाता है अरबिक के अल्फ़ाबेट्स को उनसे आशनाई ज़रूरी है उनसे आगाह होना ज़रूरी है लिहाजा जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा तवज्जो हरूफ़ के ऊपर की जा सकती है और जितनी ज़्यादा जितने बेहतर तरीक़े से हरूफ को पहचाना जा सकता है जो शख़्स बेहतर अंदाज में हरूफ को पहचानेगा वो आसानी से और बहुत ही सहूलत के साथ कुराना मजीद की तलावत को कम वक्त में सीख सकता है आप तुब करेंगे मैं एक और अपना एक्सपीरियंस आपकी ख़िदत में पेश करूँ कि जो बहुत लाइव और हक़ीक और वाकई एक्सपीरियंस है कि एक शख्स बीस बीस मिनट की तीन नशिस्तों में कम से कम पीडेड एक घंटा बहुत ज़्यादा नहीं होता अपनी ज़िंदगी का एक घंटे के अंदर एक शख्स जो बिल्कुल कुरान मजीद पढ़ नहीं सकता वो इन तीन नशिस्तों के बाद कुरान मजीद की तिलावत कर सकता और ऐसा हुआ भी है ऐसा ऐसे सीखने वाले हैं भी जिन्होंने एक नशिस्त में बल्कि हम तीन नशिस्त करें बीस बीस मिनट की उन्होंने एक नशिस्त में पूरे कुरान मजीद गोया अरबिक टेक्स्ट को और अरबिक मतन को किस तरह पढ़ा जाता है उन्होंने उस वक़े में सीखा तो इस जल्स ये जो हमारा लेक्चर होगा और ये जो सीरी दर्स आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा जिसका होगा आओ कुरान सीखें इसमें हम क्या करना है हमें हमें वो लोग जो अरबी की कुरान मजीद की करात और तिलावत से नाशना है और कुरान मजीद की तिलावत उन्हें नहीं आती है या अरबी मतन को नहीं पढ़ सकते हैं वो अगर इन दुरूस को फॉलो करें और इन, इन, इन प्रोग्राम्स को अगर देखें तो कम से कम वक्त में पाँच नशस्तों के बाद कोई भी अरबी तहरीर हो जिसमें ज़ेर जबर की अलामत लगी हो वो उसे पढ़ सकते हैं ये लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पॉटेंट नुकतः और सबसे इम्पॉटेंट नोट जो इस सिलसिले का है वो ये है कि हमें हद यानी ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हमें जो कंसंट्रेशन और तवज्जो करनी होगी वो हरूफ की तरफ अल्फेब हम अगर अल्फ़ाबेट से आशना हो गया कोई शख्स भी अगर अरबिक अल्फ़ाबेट से आशना हो गया तो बहुत आसानी के साथ कम वक्त में वो तमाम अरबी इबारतों की ख़ास कर कुर मजीद की करार को सीख सकता है कुरान मजीद की तलावत को सीख सकता है और ये शरफ जो उसकी ज़िंदगी में जिससे वो महरूम था उसको ये शरफ़ भी हासिल हो जाएगा फिर न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि तमाम दुआओं की किताबें तमाम ज़्यारात की जो अपनी ज़िंदगी में हम जिनको ज़रूरतें समझते हैं सबसे पहले मरहले में उनका पढ़ना उनकी तलावत करना वो शख़्स को आ जाएगा बारगा ख़ुदा में दुआ के खुदया हम सबको तोफी का कर कि हम क़ुर मजीद को सीखें उसकी तलीम हासिल कर सकें और हमारी ज़िंदगी में वो नमूने अमल बन सके ये किताब उसकी आयात को हम समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उस परमल कर सकें असलकूम वरमि वबरक